हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुजुता राजगुरु आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट वन वीडियो में हमने देखा था कि एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ चेक कर सकते हो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में और वो क्या क्या फंक्शंस हमारे बॉडी में अदा करते हैं, जिसकी वजह से महावारी कैसे आती है और प्रेगनेंसी कैसे और कहाँ ठहरती है, इसके बारे में हम जान सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, बल्कि हर लड़की, हर महिला, मैं तो कहूँगी ईच एंड एवरी कपल या फिर एवरी मेल के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर वो व्यक्ति शादी के बाद जो मम्मी या पापा बनना चाहते हैं और ये प्रोसेस में, यानी कि प्रेगनेंसी या बच्चा ठहरने के प्रोसेस में अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो हर वो कपल को ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सो ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए मुड़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। इस वीडियो में मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो ये है कि ओवरी में से फीमेल एग यानी कि फीमेल गमेट या फिर ओवम कैसे बाहर निकलता है, फैलोपियन ट्यूब में वो कैसे पहुँचता है और एग और स्पर्म एग्जैक्टली कहाँ पे यूनाइट होते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है और उसके बाद में जो एम्ब्रियो बनता है वो यूट्रस यानी कि बच्चादानी में कैसे ट्रैवल करता है। सो अगर ये चीज़ें आपको पता करनी है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के चार मेन ऑर्गन्स होते हैं, वजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज। सो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वजाइना के बारे में। वजाइना ये एक मस्कुलर हॉलो ट्यूब होती है, यानी कि खाली ट्यूब होती है जो कनेक्ट करती है सर्विक्स यानी कि बच्चादानी के मुँह को वजाइनल ओपनिंग से। वजाइना को मस्कुलर वॉल होने की वजह से ये एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, यानी कि वाइड और नैरो हो सकती है, जिसकी वजह से टैम्पून जितनी स्लिम चीज़ और बेबी जितना वाइड चीज़ भी वजाइना एकोमोडेट कर सकती है, यानी कि वजाइना हाईली स्ट्रेचेबल ट्यूब है। वजाइना की मस्कुलर वॉल को अंदर की तरफ से म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो वजाइना को मॉइस्ट और प्रोटेक्टेड रखती है। वजाइनल ओपनिंग को एक थिन मेम्ब्रेनस टिश्यू होता है जिसे हम हाइमेन कहते हैं। हाइमेन के बारे में आज हम डिटेल बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। सो अगर वजाइना के फंक्शंस के बारे में अगर हम बात करें तो वजाइना के तीन मेन फंक्शंस है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त पेनिस को अकोमोडेट करना सबसे पहला फंक्शन, सेकेंड फंक्शन है महावारी के वक्त बच्चादानी में से महावारी के ब्लड को बाहर निकालने में मदद करना, और थर्ड और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है डिलीवरी के वक्त वजाइना एज अ बर्थ कैनाल करके काम करता है जिसकी वजह से बच्चा बाहर आने में मदद होती है। फिर वजाइना के बाद आता है नेक्स्ट पार्ट या फिर नेक्स्ट ऑर्गन, वो है यूट्रस यानी कि बच्चादानी। बच्चादानी का जो शेप होता है वो इन्वर्टेड पेयर शेप्ड होता है। पेयर यानी कि जो नाशपति फल होता है उसे अगर हम उल्टा पकड़े तो जो कोई भी शेप नाशपति का अगर उल्टा पकड़ने के बाद होता है वैसा ही शेप यूट्रस का होता है। यूट्रस का साइज़ ये 7.5x5x2.5 सेंटीमीटर्स इन थिकनेस होता है। यूट्रस के तीन मेन पार्ट्स होते हैं, ऊपरी पार्ट को फंडस, बीच के पार्ट को बॉडी ऑफ यूट्रस और नीचे के पार्ट को सर्विक्स यानी कि ग्रीवा कहते हैं। सर्विक्स ये यूट्रस को वजाइना से कनेक्ट करता है। यूट्रस ये एक मस्कुलो हॉलो ऑर्गन है। हॉलो ऑर्गन मतलब एक कैविटी है जिसके सराउंडिंग कुछ लेयर्स होती है। सो यूट्रस की तीन मेन लेयर्स है, बाहरी लेयर को पेरीमेट्रियम कहते हैं, बीच की लेयर को मायोमेट्रियम और अंदर की लेयर को एंडोमेट्रियम कहते हैं। यूट्राइन मसल्स जो होती है वो फीमेल बॉडी में जो कुछ भी स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स होती है उनमें से यूट्राइन मसल ये स्ट्रॉन्ग मसल है। सो ये स्ट्रॉन्ग मसल्स एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में बच्चादानी में 3 से 4 किलो का बच्चा भी एकोमोडेट हो सकता है, और डिलीवरी के वक्त बच्चे को बच्चादानी में से पुश करने में भी ये मसल्स बहुत हेल्प करती है। फिर यूट्रस यानी कि बच्चादानी के बाद जो पार्ट आता है उसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं या फिर ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब ये बच्चादानी, इमेजिन करो कि ये मेरी बॉडी मतलब यूट्रस है। यूट्रस के अपर पार्ट में से दोनों कॉर्नर्स में से दो फैलोपियन ट्यूब्स निकलती है। फैलोपियन ट्यूब्स का साइज लगभग 10-12 सेंटीमीटर्स इन लेंथ होती है। इसके फैलोपियन ट्यूब्स के तीन मेन पार्ट्स होते हैं, जो यूट्रस के पास का पार्ट है उसे स्थमस, बीच का सेंट्रल डायलेटेड एम्प्यूला पार्ट और लैटरल एंड को इन्फंडिबुलम कहते हैं। इन्फंडिबुलम को फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिसे झल्लर या फिर फिम्ब्री कहते हैं।
ये इन्फंडिबुलम ओवरी के बहुत करीब होता है। सो ओविलेशन के वक्त जब भी ओवरी में से बीज बाहर निकलता है सो इन्फंडिबुलम या फिम्ब्री उसे पकड़ लेते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स में बहुत सारी सीलिया यानी कि हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, लाखों मिलियंस सीलिया होती है जो एग को एम्प्यूला में लेके आते हैं। उसी टाइम अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो जो भी स्पर्म्स वजाइना में डिपॉजिट होते हैं वो यूट्रस में आके इस्थमस में से पास होके एम्प्यूला में आएंगे और एग के साथ यूनाइट होंगे और फर्टिलाइजेशन होगा। सो फर्टिलाइजेशन के बाद जो कुछ भी जाइगोट या एम्ब्रियो बनेगा वो एम्प्यूलरी रीजन में से इस्थमस में से पास होके यूट्रस में आएगा और यूट्रस में इम्प्लांट होगा यानी कि बच्चादानी को चिपक जाएगा। फिर फैलोपियन ट्यूब्स के बाद में जो ऑर्गन आता है वो है ओवरीज यानी कि अंडाशय। ओवरी ये 3 सेंटीमीटर लंबी, 2 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर मोटी होती है और फीमेल बॉडी में ओवरी की संख्या 2 होती है। ओवरीज के 3 मेन लेयर्स होती है जिसे बाहरी लेयर को पेरिटोनियम कहते हैं, बीच की लेयर को जर्माइनल एपिथेलियम और अंदर की लेयर को ट्यूनिका अल्बुजीनिया कहते हैं। ये 3 लेयर्स के अंदर के पार्ट को स्ट्रोमा कहते हैं और स्ट्रोमा के भी 2 पार्ट्स होते हैं, बाहरी पार्ट को स्ट्रोमा कॉर्टेक्स और अंदर की पार्ट को स्ट्रोमा मेड्यूला। और स्ट्रोमा मेड्यूला में ही मेनली ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती है। स्ट्रोमा और ओवेरियन फॉलिकल्स जो होते हैं वो स्ट्रोमा कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं और ओवेरियन फॉलिकल्स डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में ओवरीज में उनकी डेवलपमेंट होती रहती है और इन लाखों फॉलिकल्स में से हर महावारी में सिर्फ एक ही फॉलिकल, एक ही एग मैच्योर होता है जिसे हम ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं। ओवरी ये जो है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है फीमेल का, क्योंकि ओवरी में से ही जो रिप्रोडक्शन के लिए यानी कि प्रजनन के लिए फीमेल एग या फिर ओवम होता है वो मेनली ओवरी तैयार करती है और फीमेल के जो मेन सेक्स हार्मोन्स है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये भी मेनली ओवरीज तैयार करती है। सो लास्ट में मैं अगर समराइज़ करूँ तो हर फीमेल बॉडी में एक वजाइना, एक यूट्रस और सर्विक्स, 2 फैलोपियन ट्यूब्स और 2 ओवरीज होते हैं। और कुछ महिलाओं में फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ 2 वजाइना, 2 यूट्रस और 2 सर्विक्स भी हो सकते हैं जो कि एबनॉर्मल बात है। अगर इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि मैं इसके ऊपर वीडियो बना सकूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही में बेल बटन दबाना न भूलें ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।